दोस्तों आज की स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी न्यूज हमें देखने को मिली। हम बात कर रहे हैं जी हाँ सनफार्मा में देखिए हमें आज 10% से भी अधिक की गिरावट देखने को मिली। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं कि क्या करेगा सनफार्मा, जाने आगे की रणनीति, आखिर जो इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उनका पैसा फंस गया है, डूब गया है या क्या होने वाला है। तो आप वीडियो में बने रहे, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और चलिए देखते हैं इसकी आगे की क्या रणनीति होने वाली है, आखिर क्यों सनफार्मा में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, सारी चीजें हम आज इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में आप बेल का आइकन जरूर दबा लीजिए। मैं आपके लिए ऐसी ढेर सारी वीडियो लाता रहता हूं जिससे आप स्टॉक मार्केट में आप काफी कुछ सीख सकते हैं, काफी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, देखते हैं सनफार्मा में ऐसी कौन सी न्यूज आई है जो हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए सनफार्मा में पिछले दो दिनों से हमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है। तो असल में हुआ यह है कि विस्लर ब्लोअर से सेबी ने किसी ने शिकायत की है कि इन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़ी गंभीर शिकायत है इनमें। इनके साथ 2014 से 2017 के बीच में 5800 करोड़ रुपए के ट्रांजेक्शन हुए थे जिनके इनके पास कोई सही प्रूफ नहीं है। तो सेबी को ये शक है कि आखिर आप ये चीज शो नहीं कर पा रहे हैं इसमें से कि आखिर ये जो लेन देन हुए ये किस कारणों से हुए हैं। देखिए देवाशीष बासु हैं, उनसे बातचीत में माना गया है कि कुछ संस्थागत निवेशकों को ये चिट्ठी दिखाई गई है कि उन्होंने आदित्य मेडल्स के साथ ट्रांजेक्शन की है लेकिन इसके कोई प्रूफ नहीं मिल पा रहे हैं। तो सेबी ने सनफार्मा से इस बारे में बातचीत की लेकिन सनफार्मा ने कोई इसकी जवाबदेही नहीं दी है। तो इसी में आज हमें स्टॉक मार्केट में ये न्यूज लीक होने के बाद एक भारी गिरावट देखने को मिली। इसी बीच ये खबर है कि बीएससी ने इस मामले में सनफार्मा से सफाई मांगी है, एक्सचेंज को सनफार्मा के जवाब का इंतजार है। तो चलिए हम देखते हैं चार्ट पर सनफार्मा में आगे की क्या रणनीति हो सकती है और सनफार्मा में आने वाले दिनों में हमें अगले हफ्ते में कैसी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों सनफार्मा में आपको अलग अलग टाइम फ्रेम चार्ट में मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो देखिए अगर मैं बात करूं सनफार्मा में 15 मिनट की कैंडल की, तो देखिए हमें पिछले दो दिनों से भारी गिरावट देखने को मिल रही है। 460 रुपए से इसने आज लो लगाया था 370 रुपए का, हमें पिछले दो दिनों में इसमें ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला, 20% की गिरावट देखने को मिल रही है सनफार्मा में। और देखिए अगर बात करें वनडे की कैंडल की, तो देखिए इसने यहाँ पर एक अपने इस काफी मजबूत सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया था लेकिन आज तो यहाँ पर इसने सस्टेन कर लिया है, लेकिन देखते हैं क्या होता है आगे मंडे को और इसमें आगे कैसे रणनीति हो सकती है। दोस्तों अगर बात करें इसके बड़े और सपोर्ट की, तो देखिए इसका जो अभी बड़ा सपोर्ट निकल कर आता है, देखिए इसने जो ये बड़ा सपोर्ट था 400 का, इसको तो इसने आज ब्रेक करके नीचे ही क्लोजिंग दी हुई है और अब इसमें नीचे कोई बड़ा सपोर्ट देखने को हमें नहीं मिल रहा है। तो देखिए मेरी आपको यही सलाह होगी कि अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप अभी होल्ड करके रखें, क्योंकि अगर आप यहाँ पर अपनी पोजीशन भी एग्जिट करते हैं तो आपको लॉस बुक करना होगा, और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो अभी आप फोल्ड करके रखें। देखिए इसमें अभी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि सनफार्मा की तरफ से भी कोई भी न्यूज नहीं आया है। इसी बीच ये खबर है कि सनफार्मा की तरफ से जो भी न्यूज आने वाली है वो मंडे को बैठक में देखने को मिल सकती है। तो बैठक के बाद ये डिसाइड होगा कि सनफार्मा में कैसी न्यूज आने वाली है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप इसमें कुछ भी करने की सोच रहे हैं तो अभी आप रुकिए, क्योंकि सनफार्मा के जो रेजिस्टेंस 300 तक के भी हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं, उसके बाद ये फैसला होगा कि इसमें आगे क्या होने वाला है। दोस्तों अगर मैं बात करूं से देखिए वन मंथ के चार्ट की, तो देखिए मैंने वन मंथ की पैटर्न की हुई है और इस टाइम फ्रेम में मुझे ये स्टॉक काफी अभी वीक देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि इसमें और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है न्यूज बेसिस पे और चार्ट बेसिस पे भी। तो मैं आपको इसमें यही सलाह दूंगा कि आप अभी इसमें वेट करें, जो भी मूवमेंट होगी मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये न्यूज पसंद आई होगी। अगर ये न्यूज पसंद आई हो और अगर आपको इसी तरह की और न्यूज चाहिए हो तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में आप बेल का आइकन जरूर दबा लीजिए जिससे हर वीडियो आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।